नमस्कार, आप सभी का स्वागत है 2024 न्यूज में। मैं आपके साथ शिवांशु दुबे। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आज सावन का दूसरा सोमवार है, यानी शिव की भक्ति का सबसे अच्छा दिन और शिव का सबसे प्रिय दिन। मान्यता है कि भगवान शिव को सोमवार का दिन सबसे ज्यादा प्रिय होता है, इसीलिए इस दिन शिव की भक्ति और उनका जलाभिषेक करने पर शिव की अपार कृपा मिलती है। और चूंकि भगवान शिव सावन के पूरे महीने अपनी ससुराल कनख स्थित नक्षेश्वर प्रजापति में ही निवास करते हैं और यहीं से सृष्टि का संचालन और लोगों का कल्याण करते हैं, ऐसे में भगवान शंकर का जलाभिषेक किया जाए तो वह प्रसन्न होते हैं और वह सभी मुरादें पूरी करते हैं। हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर समेत अन्य शिवालयों में भी भोले के भक्त भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए उमड़े हुए हैं और भोले शंकर का जलाभिषेक कर रहे हैं। जबकि भगवान शिव की ससुराल कनखल के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में तो सुबह से ही श्रद्धालुओं की कतार लगी हुई है। सावन के माह और उस पर दूसरा सोमवार होने के चलते बड़ी संख्या में शिव भक्त यहाँ भगवान शंकर को प्रसन्न करने आ रहे हैं। देखो, पांडवों के टाइम पे ऐसा बताया गया था सोमवती अमावस्या आई नहीं थी और उन्हें अब कली काल में सहज सुलभ उपलब्ध है, तो इसका धर्म लाभ लेने के लिए हम लोग गंगा स्नान के लिए आए। सोमवती अमावस्या है, आज भगवान शिव का दिन है, सोमवार है, सामण का सोमवार है और बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयदेव बालियान है। पुष्पा शुक्ला जल चढ़ाया दूसरा सोमवार है। हाँ जी, सावन का सोमवार। दक्षेश्वर महादेव को मैं बहुत मानती हूँ, बहुत सनातनी धर्म से हैं ये लोग, बताते हैं कि ये पूरे सावन यहीं पे रहते हैं, इसलिए हम लोग आज 10-12 साल से हर सोमवार और हर दिन हम लोग ये दक्ष मंदिर पे आते हैं, भोलेनाथ का आशीर्वाद लेते हैं, मेरी सारी मनोकामना भोलेनाथ पूरा करते हैं। क्या नाम है आपका? गीता। आज स्नान किया है, सोमवती अमावस्या भी है, क्या मानते हैं कि स्नान करने से क्या लाभ होने वाला है? ये बहुत पुण्य वाला काम है, आज के दिन बहुत लाभदायक होता है। ये सोमवती अमावस है तो पितरों को भी होता है, जैसे मन की शांति के लिए भी है, हर चीज़ के लिए है। सोमवती अमावस इस साल में या एक दो बार ही आती है बस। श्री चौहान, आपने जल चढ़ाया है, दूसरा सोमवार है सावन का, क्या महत्व है यहाँ पे जल चढ़ाते हैं सोमवार में? ये देखिए सर, पवित्र महीना है सावन का, जो भोलेनाथ का महीना माना जाता है, और यहाँ पे लोगों की श्रद्धा इस मंदिर से इतनी जुड़ी हुई है कि आसपास के जितने भी लोग हैं सब जल चढ़ाने आते हैं। और अभी जो हमारी कांवड़ यात्रा ख़त्म हुई है, अब फिलहाल तो महीना चल ही रहा है, लगभग 3-4 करोड़ यहाँ से भोले के भक्त जो गंगा जल लेके गए हैं और अपने अपने स्थानों पर जाके उन्होंने भोलेनाथ को ये जल अर्पित किया है। बाकी इस मंदिर का इतना महत्व है कि मेरे को भी यहाँ पर आते हुए लगभग 3-4 साल हुए हैं, और वैसे तो पहले आते थे घर वालों के साथ में, मम्मी का माना जाता है जल चढ़ाएंगे तो क्या लाभ होगा? बस यही है, भोले बाबा की ससुराल में दक्ष मंदिर है तो यहाँ पे जल चढ़ाने से लोगों की आस्था है कि भोले बाबा उनकी मनोकामनाएं सुनते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। स्वामी, दूसरा सोमवार है सावन का, श्रावण के वैसे तो सभी सोमवारों का महत्व है और भगवान शंकर की ससुराल है ये दुनिया। श्रावण के महीने में भगवान शिव यहीं पर निवास करते हैं, इसलिए भगवान शिव के ऊपर श्रावण के महीने में विशेष तौर से हर सोमवार को या प्रतिदिन अगर संभव हो सके तो गंगा जल से भगवान का अभिषेक करना सर्वोत्तम माना जाता है। तो श्रावण का महीना है, भगवान श्री शिव का महीना है, भगवान शिव को गंगा जल प्रिय है और भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, इसलिए सोमवार के दिन सोम अर्थात चंद्रमा मस्तक पे धारण किए हुए हैं भोलेनाथ, इसलिए उनको सोमवार के दिन गंगा भी धारण किए हुए हैं मस्तक पे, इसलिए गंगा जल। ये दो चीज़ों का विशेष महत्व है, बाकी दूध दही शहद गन्ना का रस जो भी चीज़ें भक्त अपनी श्रद्धा से भगवान को अर्पित करना चाहे करता ही है, किंतु शास्त्रोक्त या साइंटिफिक तरीके से माना जाए तो श्रावण के महीने में, श्रावण का महीना जल तत्व प्रधान महीना है, भगवान भोलेनाथ जल को अति प्रिय पसंद करते हैं, भगवान शिव स्वयं मस्तक पर गंगा को धारण करके घूमते हैं, साथ में चंद्रमा को भी धारण करके घूमते हैं, इसलिए उनकी कृपा पाने के लिए उनके इन दोनों व्यक्तित्वों को सम्मान देना अति आवश्यक है, इसलिए उनके मस्तक पर गंगा जल सोमवार के दिन अर्पित किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए 2024 न्यूज़ के साथ।